ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हीट इज प्रोड्यूस एज ए बाई प्रोडक्ट। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोडक्ट के तौर पर। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव 4 कैलोरीज ऑफ हीट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देती है 4 कैलोरीज ऑफ हीट। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव 4 कैलोरीज ऑफ हीट। और 1 ग्राम प्रोटीन देती है 4 कैलोरीज हीट की। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव 9 कैलोरीज ऑफ हीट। 1 ग्राम फैट की देती है 9 कैलोरीज हीट की। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। देर इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट आफ्टर टेकिंग फूड। खाना खाने के बाद हमारे अंदर एनर्जी का बढ़ जाना इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस इज नॉट ड्यू टू द वर्क इन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। यह एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन की वजह से नहीं होता बल्कि बट इज ड्यू टू द स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ फूड ऑन बेसल मेटाबॉलिज्म। बल्कि ये स्टिमुलेटिंग इफेक्ट की वजह से होता है फूड का ऑन बेसल मेटाबॉलिज्म पर। इट इज नोन एज स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। इसको ही हम कहते हैं स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। एंड इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। और यह अलग अलग होता है अलग अलग न्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंग। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फैट इज 4%। जो स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फैट है वो है 4%। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज 5% to 6%। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ प्रोटीन इज 30%। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ मिक्स्ड डाइट इज 12%।